सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 28 प्रकार के होते हैं, रौरव महारौरव काल सूत्र बैतरणी, जो जस करहिं सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रक्ष राजा। आपने जैसा कर्म किया है आपको ही भोगना है, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। कर्म किसी भी प्रकार से नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, भोगना ही पड़ेगा। बसरते फर्क इतना होता है, अगर आप भजन करोगे, आप सन मार्ग पर चलोगे तो कष्ट का एहसास नहीं होगा, उस कष्ट का कोई एहसास नहीं होगा, इतना फर्क है। देखो आपको एक कथा सुना बड़ी प्यारी। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, तो भगवान जगन्नाथ का एक बड़ी सुंदर भक्त थी, बड़ी सुंदर भक्त। उनको संग्रहणी रोग हो गया। संग्रहणी रोग जानती है, दस्त हो जाना। और भैया ये इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर दो चार बार जंगल जाकर के आ जाओ तो ऐसा लगता है महीनों से बीमार पड़े हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जब तक शरीर में मल है तब तक ही बल है शरीर में। ये हकीकत है। अगर दिन में दो चार बार आप जंगल होकर के आओ, गारंटी आपको खाट पर लेटना पड़ेगा। महात्मा कई बार गए और अंतिम में महात्मा समुद्र के किनारे गिर गए, बेहोश हो गए। जगन्नाथ भगवान ने 3 दिन उनकी सेवा की, उनके गंदे कपड़े साफ किए। 3 दिन के बाद जब होश आया तो आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, प्रभु आपने ये क्या किया? आप अगर चाहते तो मेरा ये रोग समाप्त कर सकते थे, रोग समाप्त हो जाता मेरा, आपने मेरे गंदे कपड़े क्यों साफ किए? तो मालूम है जगन्नाथ भगवान क्या बोले, भैया तूने जो किया है वो तुझे ही भोगना पड़ेगा, मैंने तेरी सेवा इसलिए की क्योंकि तूने मेरी सेवा की, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। हम भगवान को भजेंगे, भगवान हमको भजेगा और कुछ नहीं। 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई। महाराज जो दूसरों के धन पर कुदृष्टि डालता है वो महारौरव नाम के नरक में जाकर के गिरता है। मालूम है वहां कैसी यातना मिलती है, बड़ी भयंकर सोने की भूमि तपी रहती है, एकदम अंगार की तरह उस भूमि पर छोड़ दिया जाता है, जा ले कितना सोना चाहिए तुझे। उसे बड़ा कष्ट होता है पर मरता नहीं है। जो दूसरों की बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालता है वो महारौरव नाम के नरक में गिरता है। वहां क्या फल मिलता है, एक लोहे की अग्नि की तपी हुई स्त्री से उसका विवाह कराया जाता है। ले अब तेरी पत्नी ये है, तड़पता है पर मरता नहीं है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, केवल उनके धन से ही मतलब रखता है, वो बैतरणी नदी में जाता है। वो नदी मालूम कैसी है, मल मूत्र पस से भरी हुई पड़ी नदी है।